हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एनडीए वन 2025 की तैयारी करना अब बच्चा शुरू कर रहा है, बिकॉज रिजल्ट अल्टीमेटली आ चुका है। अब बच्चे को पता लग गया है कि भाई मेरी कमी कहां पे रही है एंड अब मुझे आगे बढ़ना है। एनडीए वन 2025 में किसी टाइप की कोई कसर नहीं छोड़नी है। ये वीडियो है बच्चे आपके एनडीए वन 2025 के बैचेस के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस के बारे में। इन डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से एलडब्ल्यूएस आपके लिए बैचेस लाता है, क्या किस चीजों पे हम काम करते हैं एंड अल्टीमेटली किस तरीके से हम बच्चों का सिलेक्शन में हेल्प कराते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच की बात है। ऑफलाइन में हम बच्चे स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ऑनलाइन में हमने कुछ दिनों के लिए एक परमानेंट डिस्काउंट चलाया है जिसमें हम अपने ऑनलाइन बैच को केवल और केवल 2499 में सेल कर रहे हैं अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं तो ये तो परमानेंट सभी के लिए हो गया। ऑफलाइन में एक प्रॉपर स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जा रहा है जिसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ऑफलाइन के बैचेस की बात कर लेता हूं। ऑफलाइन में हमारे बच्चे दो बैचेस हैं, एक हमारा होता है 6 मंथ बैच, एक होता है हमारा 3 मंथ बैच। दोनों बैच अलग अलग फीचर्स वाले हैं। 6 मंथ बैच उस बच्चे के लिए फायदेमंद होता है जो बच्चा बिल्कुल बेस से तैयारी करना चाहता है। 3 मंथ वाला बैच उस बच्चे के लिए ठीक होता है जो बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि यार मेरे ना 250 के आसपास नंबर आ गए, 300 के आसपास नंबर आ गए, थोड़ा सा पुश अगर रोल मिल जाए ना मुझे तो मैं गारंटीड एनडीए पार कर दूंगा। यानी थोड़ा सा बच्चे का बेस इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 14th October से। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें अभी भी एडमिशन आर ऑन गोइंग। 3 महीने वाला बैच जो है इसका नाम है योद्धा, इसका नाम है लक्ष्य। मैं योद्धा की पहले सारी डिटेल बताता हूँ। योद्धा बैच 3 मंथ्स का बैच है, इसकी जो टोटल फीस है वो 33,000 रुपीज है, प्लस में जिसमें स्कॉलरशिप भी आएगी वो अलग चीज है, मतलब उसमें कुछ पैसे कम हो जाएंगे, बट बैच की फीस 33,000 रुपीज। आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, रोज आपकी 5 से 6 घंटे की क्लास होगी। कंप्लीट कोर्स के बाद आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, इनफैक्ट आपके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, आपकी वीकली SSB क्लास भी होगी। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं अलग से इंग्लिश स्पीकिंग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहूं तो एक अलग से उसका प्रोग्राम है, उसकी फीस भी अलग से होगी वो हम, लेकिन इस बार फैसिलिटी अवेलेबल बच्चों के लिए करा रहे हैं। बट आपकी वीकली SSB की क्लासेस तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। तो कंप्लीट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये कोर्स होगा। अगर आपको लगता है कि भाई साहब मुझे बस 3 महीने की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए तो दिस बैच इज फॉर इट। ठीक है जी, ये मैं सिर्फ कोचिंग की भी डिटेल्स बता रहा हूं, हॉस्टल की बताऊंगा। ये हमारा लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच हमारा 6 मंथ का बैच है जिसमें मैंने ये बताया जैसे आपकी जो क्लासेस होंगी रोज 4 to 5 hours की क्लासेस होंगी, इसमें बिल्कुल बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। 50,000 रुपीज इसकी फीस होगी, इसमें भी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सेक्शनल आपके टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, वीकली SSB क्लासेस होंगी, सब कुछ वही सब चीजें इसमें भी रहेगी। बस फर्क इतना ही है कि इसमें थोड़ा सा 0 level से उठाया जाएगा, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे को थोड़ा सा आता हो। ये बेसिक 2 फर्क है। ठीक है जी, ये जो मैंने डिस्कशन करी जो फीस है ये हमारी कोर फीस है। पहली बार LWS ने इस बार स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं जो कि 29th को है, उसके बाद भी इसके डेट अनाउंस करेंगे। जैसे अगर बच्चा 14 अक्टूबर को बैच में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है तो रजिस्ट्रेशन वो कर ले, और स्कॉलरशिप का टेस्ट उसका हम 11-12 तारीख को ले लेंगे। हर टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से उसकी स्कॉलरशिप डिसाइड कर देंगे, उतने ही पैसे यहां से कम हो जाएंगे। जो बच्चा ऑलरेडी लक्ष्य बैच में एडमिशन ले चुका है उसको भी स्कॉलरशिप टेस्ट वो देने का मौका मिलेगा, जितने उसके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से पैसे उसको वो कम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपकी कोचिंग की डिटेल्स। इसके बाद आते हैं आपके हॉस्टल की डिटेल। आपके पास ऑप्शन है बच्चे, चाहो तो आप हमारे साथ हॉस्टल में रह सकते हो, चाहो तो आसपास बहुत सारे PGs अवेलेबल है, अच्छे अच्छे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां पे रह सकते हो। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो हमारे जो हॉस्टल की फीस है वो 8,000 and 8,500 rupees है, डिपेंडिंग ऑन आप AC रूम लेते हो या फिर कूलर रूम लेते हो। और लेकिन ये एक हॉस्टल प्रोग्राम है तो इसमें हॉस्टल की तरह ही रहना होगा, आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत आपको रहना होगा। आप अपनी मर्जी से बाहर अंदर बाहर नहीं जा सकते, एक प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड होगा, मतलब जो हॉस्टल वाली फील है कंप्लीट हॉस्टल वाली फील है। ठीक है जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसके अलावा है। ठीक है, PGs भी लगभग इतने रेट में अवेलेबल है, वो आपके आसपास आपको मिल जाएंगे, बट दे आर PGs। जितने बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिल्ली में दिखाते हैं हॉस्टल, किसी के पास भाई प्रॉमिस हमारे अलावा किसी के पास खुद का हॉस्टल नहीं है, सारे PG प्रोग्राम है जो आसपास रहते हैं वहाँ पे। फिर दूसरी कोचिंग के बच्चे भी रह रहे होते हैं, कुछ मतलब जॉब करने वाले लोग भी रह रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं नहीं हमें तो भाई PG में रहना है, बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें हॉस्टल एनवायरमेंट में रहना है। तो आपको अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिकली कोचिंग फीस पर है, हॉस्टल फीस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको डिटेल सारी मिल गई है। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप बातचीत करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।